गुड इवनिंग एवरीवन, हाय अमृतेन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी तो माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी अच्छी है नहीं। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, काफ़ी लोगों के DMs देखे इंस्टा पे हो या चाहे अपने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर है लोगों के पास, तो काफ़ी लोग मैसेज किए वहाँ पे, काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज किया पिन करके। रीज़न वही था, कुछ लोग के खुशी खुशी में मैसेज थे कि भाई फाइनली 3 साल के बाद, 2 साल के बाद सिलेक्शन हो गया SBI JEE में। देखो यार, खुशी तो बहुत होती है जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते हो बिना रिजल्ट सोचे। मानता हूँ फेलियर्स बहुत आते हैं, बट जब सक्सेस मिलती है ना तो भाई उसका कोई वो नहीं होता वर्डिंग एक्सप्रेस करने वाली। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग एफर्ट डाले जाते हैं मगर रिजल्ट नहीं आता है। एट दी एंड वो लोग, लड़की है तो शादी करने का प्रेशर होता है, लड़के हैं तो भाई प्राइवेट जॉब कर लो, फैमिली को संभालो। देखो यार, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जब मैं आपके समान, मैं तो आज भी आपके समान ही हूँ, नया क्या, उसे बैंक के जॉब कर रहा हूँ उसका तो ये थोड़ी ना अलग हो गया हूँ। देखो यार, मैं जब आपके समान था, प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो जॉब नहीं लगी थी बैंक में, तब तक यार मेरे पास भी यही था कि मैं हर एग्जाम में फेल हो रहा था मोस्टली। एक टाइम ऐसा आया था कि ये सोचने में मजबूर हो चुका था कि अब क्या सेकेंड ऑप्शन को मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेकेंड ऑप्शन, मेरा बैकअप ऑप्शन रेडी हमेशा से था। मेरा MBA का मैं एंट्रेंस दे चुका था, महाराष्ट्र की स्टेट लेवल की एंट्रेंस, जहाँ मेरा रिजल्ट भी आ चुका था, 99.6% मेरे को था। तो बस मेरे को यही था कि मुझे MBA करना पड़ेगा क्या, अगर क्लर्क नहीं होता है तो। मैं आप लोग को, जिन लोगों का कंटिन्यूसली 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं और अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं आपको सजेशन यही दूंगा, आप अपने सेकेंड ऑप्शन के लिए जाओ, आप टाइम वेस्ट मत करो। बिकॉज देखो यार, गवर्नमेंट जॉब है, ब्रूटल है काफ़ी। आप उठा के देख लो यार, 6.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था शायद LIC EEO में, 7,500 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो यार मैं तो बस यही बोलता हूँ कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं होता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि यार देखो, मैं भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा नहीं था, बस मैंने यार मेरे टाइम शायद मैं ये बोल सकता हूँ महाराष्ट्र स्टेट था मेरा, मेरी किस्मत थी, हो गया। क्योंकि बहुत लोग यही बोलते हैं, मैं भी यही बोल देता हूँ, बट किसी को ये नहीं दिखता कि एफर्ट पीछे उसके भी थे। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगा, डीमोटिवेट मत हो। या तो जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, या 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ, मैं बोलूँगा 1 साल का टाइम और दो। और वो बोलते हैं ना, एक एग्जाम नहीं हो रही क्रैक, तो उसको ये बोलो चल भाई तू साइड हो, मेरे को दूसरी एग्जाम से पढ़ाई करनी है। ये एटीट्यूड रखो कि भाई सिलेक्शन लेना है, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ चल भाई तू साइड हो, दूसरी एग्जाम को ट्राई करूंगा। मगर अपने एफर्ट्स पे गिव अप मत करो। आप जिस मेहनत से, जिस लगन से पढ़ाई कर रहे हो, उस एफर्टलेसली एफर्ट डालते रहो, क्योंकि उस पर ब्रेक डालोगे ना तो शायद ब्रेक लग सकता है। और जिन लोग को काफी टाइम हो गया, 4 साल 5 साल 6 साल, मैं आप लोग को एक, किसी से छोटा भी हो सकता हूँ एज में, किसी से बड़ा भी हो सकता हूँ, तो किसी को छोटे भाई, किसी को बड़े भाई या मेंटोर के रूप में ये बोलूंगा कि आप लोग दूसरे ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, गलत नहीं होता है। बाकी देखो यार, मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बातें करता हूँ, मुझे नहीं आती बड़ी बड़ी बातें करना। तो अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सही लगा तो उसको शेयर भी करना और लाइक करना। बाकी मिलते तब तक जय श्री राम, राम राम।